एक बारी कह दो गुरु जी चाहे शिखर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप सब? देखो मेरी किचन में आज क्या बना है। इंडियन वेज होम कंफर्ट फूड मैंने बनाई है, दाल तड़का स्टीम्ड राइस। आज मैंने बनाया है अफगानी पनीर। रुको, मैंने इसकी रेसिपी शूट कर ली है, प्रिया इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पर जल्दी आ जाएगी। मीठे में मैंने बनाया है कस्टर्ड, खूब सारा है सैलेड, यहाँ पर है पापड़। आ गए हम वापस बूंदी वाली छाछ पर, और दाल चावल के साथ अचार ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे पास है गोभी शलगम गाजर का मिक्स अचार। ज़ोर शोर से भूख लगी है मुझे। पता है टाइम क्या हुआ है? 4 बज रहे हैं। अभी तक लंच नहीं किया है मैंने, क्योंकि आज बहुत सारे वीडियोस शूट कर रही थी। पहले खाना बनाने की रेसिपी वीडियोस, फिर तैयार होने का मेकअप वीडियो, और अब मकबैंक की बारी आई है। तो अगर गाइस आपको मेरा ये प्यारा सा सूट कुर्ता सेट अच्छा लग रहा है, या मेरा मेकअप देखना चाहते हो आप, तो आप विज़िट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज @priyasinsta पर, और मेरी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रियाज ब्लॉगिंग को फॉलो कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं Q&A शाउट आउट। तो शाउट आउट है निकिता पटेल के लिए। उन्होंने पूछा है, दीदी आप इतनी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड हो तो आप जॉब क्यों नहीं करते? थैंक यू निकिता। पहली बात तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई समझदार या एजुकेटेड हो तो वो जॉब ही करे, लेकिन हाँ मैंने 12 साल जॉब करी है, कॉर्पोरेट जॉब, शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक। और फिर मुझे 2015 में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं कभी भी खाली नहीं बैठी हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज वर्किंग, और आज मैं एक फुल टाइम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ, मैनेजिंग 3 यूट्यूब चैनल्स ऊपर वाले की कृपा से। तो कह सकते हो कि जॉब तो मैं अभी भी कर रही हूँ फुल टाइम, बस अपनी बॉस खुद हूँ मैं। थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में #Q&A करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आज के वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है कि मैंने वीडियो के बीच में किस टाइम पर बोला अफगान पनीरी, अफगान पनीरी। मतलब गाना तो अफगान जलेबी है, लेकिन हमने तो अफगानी पनीर बनाया ना, उसका टाइम स्टैम्प लिखना है। जय अन्नपूर्णा माता की। गोभी शलगम ते गाजर दा अचार, ओए होए मेरे यार, खूब सारा लेना मैं ते। चीयर्स जी। वाह बल्ले बल्ले, इसको आगे रख लेते हैं कहीं गिरकर बल्ले बल्ले ना हो जाए। जुल्फों को लाएं इस तरफ और शुरू करते हैं खाना लेकर प्रभु का नाम। ओए गाइस, पहली दाल चावल की बाइट, वो भी अचार के साथ आप सबके लिए। सच्ची में स्वाद है यार, दाल चावल खाने वालों को पता होगा। पनीर तो डाले। तो मैंने ना गाइस इंस्टाग्राम से देखकर अफगानी पनीर बनाया है, खा के देखते हैं कैसा है। It's different and it's tasty. लो जी, अब चावलों के साथ खाते हैं। ओए ओए, थिक थिक ग्रेवी वाला। नींबू निचोड़ लो। होए जी होए, चकने फटे। ओए टमाटर इतना मीठा है, मजा आ गया।
वाह, यम्मी। गजब, बेस्ट कॉम्बिनेशन है दाल चावल पनीर। मिर्ची तीखी है, अब मिर्ची तो तीखी होगी ना प्रिया। बहुत ही मज़ेदार बना है, एक बाइट तो सब कुछ मिक्स करके। इसमें पनीर है, दाल है, ओए होए, गोभी, अचार वाली, जय माता दी। मैं बता नहीं सकती कितना मज़ा आता है घर का खाना खाने में, स्वाद स्वाद। ये लो जी दाल ते चावल और ये एक बड़ा सा अफगानी पनीरी। नहीं, इसको ऐसे गाना चाहिए था, पनीर अफगानी, पनीर अफगानी। गदर, गाइस, कुछ लोग ना मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, आप ये गदर गदर क्या बोलते हो, इसका क्या मतलब है? गदर का मतलब होता है जब कोई चीज तहलका मचा दे, उफ, तो कहते हैं गदर। सारे पनीर ले लेंगे हम आज, न छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम, अफगानी पनीर तुझे खा जाएंगे हम। सॉरी गाइस फॉर दी सिली सॉन्ग्स, पर आई एम एंजॉइंग माय मील। जिसको नौटंकी लगता है लगने दो रे बाबा, अपना क्या जाता है रे बाबा। आप लोग अपनी प्लेट ले आओ, मेरे साथ मजे से खाओ। Let's enjoy together. Mm-hmm.
मिठास गाजर के अचार की। लो जी, अब मैं सब कुछ मिक्स कर रही हूँ, आ जाओ फटाफट, आ जाओ जिसने आना है, बिकॉज इट्स कतावा टाइम। भाई अगर किसी को गतावा नहीं पता और वो कमेंट सेक्शन में पूछे तो जिनको पता है वो बता देना। लो जी, हमने डाल लिया सारा पनीर भी मसल मसल के। अब सब कुछ पास पास कर लेते हैं और शुरू करते हैं इंजॉय करना। लाजवाब। नींबू, कम ऑन नींबू। मजा ही आ गया भाई। ये जो दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आने वाली है ना, कुंभकर्ण वाली, बाय गॉड। हर बाइट में अचार, यम्मी, मुंह मीठा करते। सो जी, लो जी आ गया कस्टर्ड। वी मस्त बनाया मैंने। वैसे आज मैंने इसमें डाला है केला, अंगूर और खूब सारा पिस्ता। अनार ख़त्म हो गया था, वरना वो भी मज़ेदार लगता है। तो लो जी, फर्स्ट बाइट आप सबके नाम। जय माता दी। यम्मी। कस्टर्ड को खा के हमेशा बचपन की याद आती है। मम्मा बनाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, बड़ा मज़ा आता था। अभी मेरा बेटा स्कूल से आया, उसको लेकर आई थी, उसके बाद ही वीडियो बना रही हूँ। तो उसने आते ही सबसे पहले कस्टर्ड खाया। बहुत स्वाद है और कितना इजी बन जाता है ना ये। जल्दी खाना पड़ेगा, बाहर मेरी हाउस हेल्प आ गई है और मैंने उसको बोला है रुक जा मेरा वीडियो बन रहा है, आवाज़ नहीं करनी। गाइस, सुपर इन्जॉय किया मैंने अपना कंफर्ट फूड। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि आई लव यू सो मच यार। बाय।